namada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya को रोक नहीं पाए ना तुम लोग तो उसके सगे भी नहीं हो तो फिर उसके साथ तुम्हें इतनी क्या बात करनी है परेश बाबू से मिली हुई धर्म शिक्षा भी क्या इस नए गुरु के चरणों में निछावर कर दी मेरा धर्म मेरे अंतर्यामी जानते हैं तुम भले ही अपने आप को हिंदू हिंदू करके अपना गला फाड़ लो तब भी ये आशा ना करना कि वे तुम्हें ग्रहण कर लेंगे आप अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाइए गुरा इधर आओ बुरा मत मानना कहीं तुम्हें भी बिनॉय की छूत तो नहीं लग गई नहीं मेरा मतलब है आजकल उस इलाके में तुम्हारा बार बार आना जाना होने लगा है डरने की कोई बात नहीं दादा सुनने में तो ये आया है कि उधर उस ब्राह्मण लड़की के साथ बिनॉय का विवाह बिल्कुल पक्का हो गया है देखो मैं स्पष्ट कह देता हूं आज के बाद उनके साथ हमारा किसी तरह का कोई भी व्यवहार नहीं चल सकता बिल्कुल नहीं चल सकता देखो अगर आगे चलकर माँ गोलमाल करेगी तो बहुत मुश्किल होगी अरे भाई हम लोग गृहस्थ हैं बेटे बेटी के विवाह में ऐसे ही जान मुंह को आ जाती है ऊपर से अगर घर में ब्राह्मण समाज बैठ गया ना तो मुझे बोरी या बिस्तर उठा के यहां से चल देना पड़ेगा दादा व्यर्थ में चिंता करने की कोई बात नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं होगा इधर शोशीमुखी के विवाह का प्रस्ताव तय हो चला है हमारे समधी जी जितने वजन की लड़की लेंगे उससे कुछ अधिक सोना लिए बिना नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि मनुष्य नश्वर पदार्थ है सोना उससे अधिक मूल्यवान है अधिक दिन टिकता है बहुत ही बेहाया है वो खैर खर्चा जो होगा सो होगा लेकिन इन सब चीजों से जो सीख मुझे मिली है ना वो लड़के के ब्याह के समय काम आएगी लड़की के बाप को एक बार की चित कर देने में ही पौरुष है देखो गोरा मेरा लड़का भी बहुत छोटा है लेकिन तुम्हें अपने दल के लोगों के साथ मिलकर हिंदू समाज को तब तक ताजा रखना पड़ेगा जब तक मेरे लड़के की शादी नहीं हो जाती उसके बाद देश के लोग चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन मुझे उससे कोई मतलब नहीं और हाँ देखो शोशीमुखी के विवाह में विनय को निमंत्रण देने की कोई आवश्यकता नहीं और इस बात को लेकर मैं उस समय कोई हंगामा नहीं चाहता हूं मां को तुम अभी से सावधान कर देना समझ गए गोरा आ गया बैठ बेटा तुझे तो बिनॉय की शादी की खबर मिल गई होगी देख बेटा उसके चाचा बहुत नाराज है वहां से तो कोई नहीं आएगा और परेश बाबू के घर ये ब्याह मुश्किल है सारे इंतजाम बिनॉय को ही करना है तो मैं सोच रही थी हमारे घर के उत्तर के हिस्से में दो मंजिले में अगर उसके शादी का बंदोबस्त हो जाए तो अच्छा रहेगा
माँ क्या ये ठीक है? अरे बेटा अपने बिनॉय का ब्याह है तो मुझे तो सब कुछ संभालना है ना, ये तो बिनॉय के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी बेटा। और अगर वहाँ ब्याह हो तो मैं यहाँ से सब कुछ संभाल लूँगी, ज़्यादा दौड़ धूप भी नहीं करनी पड़ेगी। नहीं माँ ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? तेरे बाबा को तो कोई आपत्ति नहीं है। माँ मैं कह रहा हूँ ना ये नहीं हो सकता। कुरा बिनॉय तो ब्राह्मो रीति से विवाह नहीं कर रहा है। माँ ये तो बहस की बात है और समाज तुम्हारी इस वकालत को नहीं मानेगा। बिनॉय की जो मंशा है वो कर रहा है, किंतु हम ये विवाह नहीं मान सकते। कोलकाता में मकानों की कमी नहीं है, बिनॉय का अपना भी तो घर है। ठीक है गोरा, तू अगर इसके विरुद्ध है तो मैं कोई घर किराए पे ले लूंगी, लेकिन इससे मुझ पर बोझ जरा ज्यादा रहेगा। माँ तुम इस विवाह में शामिल नहीं हो सकती। ये तो क्या कह रहा है गोरा, अपने बिनॉय के ब्याह में मैं नहीं शामिल होंगी तो और फिर कौन होगा? देख बेटा उससे तेरा मतभेद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तेरा दुश्मन बन गया। माँ तुम ये क्या कह रही है, आज बिनॉय के विवाह में मैं शामिल नहीं हो पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए कोई सुख की बात नहीं है। मैं बिनॉय से कितना प्यार करता हूँ ये और कोई जाने ना जाने, किंतु तुम तो जानती हो। और माँ बिनॉय हमारा समाज छोड़ के गया है, हमने उसे नहीं छोड़ा। और माँ ये प्यार या दोस्ती दुश्मनी की बात नहीं है, परिणाम की बात सोच के ही बिनॉय ने यह कदम उठाया है। इसलिए इस समय जो विच्छेद हो रहा है इससे उसे ऐसी कोई चोट नहीं पहुंचेगी जिसके लिए वो तैयार ना हो। तू ठीक कह रहा है गोरा, बिनॉय जानता है कि तू उसके विवाह में कोई सहयोग नहीं देगा, लेकिन वो भी निश्चित जानता है कि मैं ऐसे शुभ कार्य में उसका परित्याग नहीं करूंगी। और वो जानता है अगर उसकी बहू को मैं आशीर्वाद के साथ ग्रहण ना करूं तो वो जान जाने पर भी ये विवाह नहीं करेगा। माँ तुम समाज में रहती हो और समाज की ऋणी भी हो, ये बात तुम नहीं भूल सकती। गोरा बेटा मैंने तुम्हें बार बार कहा है कि समाज का नाता मुझसे बहुत पहले ही टूट गया है, समाज मुझसे घृणा करता है और मैं समाज से दूर रहती हूँ। माँ तुम्हारी इसी बात से मुझे सबसे ज्यादा कष्ट होता है। गोरा बेटा ईश्वर जानता है तुझे इस कष्ट से बचाना मेरे वश में नहीं है। ठीक है माँ तो मैं बिनॉय को जाके कह देता हूँ कि वो अपने विवाह के मामले में तुम्हें उलझा कर समाज से तुम्हारे विच्छेद को और बढ़ावा दे रहा है और ये उसका स्वार्थीपन। ठीक है तुझे जो करना है तू कर, फिर मैं देखती हूँ। আমার নিতাই নীত গৌর ওরে ডাকরে নিতাই গৌর বলে নিতাই নীত গৌর ওরে ডাকরে নিতাই গৌর বলে নিতাই নীত গৌর প্রেম দাতা জগতের গুরু একলা নিতাই হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই হরি নাম দিয়ে জগৎ देखिए बहुत अन्याय हो रहा है। कैसा अन्याय? गोरा को एक भी और दिन धोखे में नहीं रख सकते हैं, मामले की हद हो गई है। शोशीमुखी की ब्याह की बात चल रही है, शायद फागुन में उसका ब्याह हो जाए। इससे पहले घर में जब भी कोई सामाजिक कार्य हुआ तो मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर गोरा को दूर ले जाया करती थी, लेकिन अब शोशीमुखी के ब्याह के वक्त मैं उसे कहाँ लेकर जाऊँ? इससे पहले इतना बड़ा कार्य तो घर में कभी हुआ भी नहीं, अन्याय रोज ही बढ़ता जा रहा है। मैं तो हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी सजा उन्हें देनी है वो मुझे दें, गोरा को किसी मुश्किल में ना डालें। अगर आप अनुमति दे दें तो मैं गोरा से खुल के सारी बातें कहूँ, इसके बाद मेरे भाग्य में जो लिखा है वो देखा जाएगा। तुम पागल हो गई हो क्या? ये बात प्रकट होने पर मैं तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा, क्या सफाई दूंगा? पेंशन तो रुक जाएगी, शायद पुलिस भी तंग करेगी। देखो जो हो गया सो हो गया,
अब जितना संभाल कर चल सको तो चलो, ना चल सको तो भी कोई दोष नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें जो करना है करना, लेकिन तब तक मुझे शांति से तपस्या करने दो। विनोय की शादी के बारे में तो तुम जरूर ही जानते होगे। जी, वो ब्रह्मो मत से विवाह करने के लिए तैयार नहीं। तब तो उसका इस प्रकार से विवाह करना ही उचित नहीं है। हमारे समाज से कोई नहीं आएगा विवाह में, और सुना है कि विनोय के घर से भी कोई नहीं, और हमारा परिवार तो आएगा ही नहीं। मुझे अपनी बच्ची का विवाह खुद ही करना है। विनोय की तरफ से तुम्हारे सिवा कोई नहीं आएगा। तुम उसके बंधु, इसलिए तुमसे परामर्श करने आया हूं। जी, मुझसे परामर्श कैसा, मैं इसमें नहीं हूं। तुम भी नहीं। मैं इसमें कैसे पढ़ सकता हूं? तुम उसके बंधु हो, ऐसे वक्त में बंधु काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? देखिए, वो मेरा बंधु है ये एक बात, तो यही सबसे बड़ा बंधन या एकमात्र बंधन तो नहीं। मुझे लगा था कि ब्रह्मो समाज के अनुरोध पर मैं इस विवाह से अलग ही रहूंगा। तुम उसके बंधु हो, सारा काम सफलता से संपन्न कर दोगे। ऐसे मौकों पर आदमी से बंधु ज्यादा अच्छे होते, उन्हें समाज का आघात नहीं झेलना पड़ता। लेकिन तुम भी बिनोय के त्याग और समर्पण को गलत ही समझते हो। तो अब सारा भार मुझ पर है, अब ये काम अकेले ही मुझे निभाना होगा। चलता पथे यदि पिछिए पिछिए पूरी को भू। विनोय बाबू ने जो किया उसकी हमारे समाज में कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम सब लोग ऐसे ही करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा समाज नष्ट हो जाएगा। हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, सर्वनाश हो जाएगा हमारे समाज का। अरे यही तो है वो ब्रह्मो समाज वाले। चुप रहो। लज्जा आनी चाहिए तुम लोगों को, श्रद्धा के पात्र हैं। अगर इनकी श्रद्धा करने की क्षमता नहीं है तो कम से कम इनके अपमान के ओछेपन से बचो। अविनाश, क्षमा कीजिए, आइए मैं कुछ करो। श्री चरणों में प्रणाम। यह मंगल है, अपने कुशल समाचार से हमारी चिंता दूर करें। आपने जिस पात्री की बात लिखी है उसकी पूरी जानकारी दीजिएगा। आपने लिखा है कि वो 12-13 बरस की होगी, लेकिन देखने में बहुत बड़ी दिखती है। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। उसकी जिस संपत्ति की बात आपने लिखी है उस पर अधिकार जीवन भर का है कि चिरस्थाई? इसकी पूरी पड़ताल करके लिखें तो बड़े भाइयों को बताकर उनकी सलाह ले सकूंगा। यूं मैं समझता हूं कि वो असहमत ना होंगे। पात्र की हिंदू धर्म में निष्ठा है यह सुनकर निश्चिंत हुआ। लेकिन इतने दिन वो ब्राह्मण घर में पली है, ये बात किसी को पता ना लगे इसकी कोशिश करनी होगी। इसलिए ये बात और किसी को नहीं बताइएगा। अगली पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण है, गंगा स्नान का योग है। सुविधा हुई तो
उसी समय आकर कन्या देख जाऊंगा। ललिता आज दीदी हुँ? सब तय हो गया। कब का? अगले सोमवार का। कहाँ? वो नहीं पता, बाबा जानते हैं। तो खुश है ना? खुश क्यों नहीं होंगी, तुझे जो चाहिए था वो तो तुझे मिल गया। अब तो किसी से झगड़ा करने के लिए कुछ रहा नहीं ना। मुझे तो कभी कभी लगता है कि कहीं इसी बात से तेरा उत्साह ना ठंडा पड़ जाए। क्यों, झगड़ा करने के लिए किसी की कमी क्यों होगी? बल्कि झगड़ा करने के लिए मुझे घर से बाहर नहीं ढूंढना पड़ेगा। अच्छा तो ये बात है। रुक, मैं बिनोय बाबू से कह दूंगी, बेचारे अगर संभलना चाहे ना तो कम से कम आप तो संभल सकते हैं। तुम्हारे बेचारे को संभलने का मौका नहीं मिलेगा, अब छुटकारा नहीं। जन्मपत्री में जो मुसीबत लिखी थी वो फल रही है, अब तो माथा पीटने के अलावा कोई चारा नहीं। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ रे ललिता, और पता है ईश्वर से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि बिनोय जैसे स्वामी के योग्य बना पाए तुझे। वाह, क्यों नहीं, जैसे मेरी योग्य तो किसी को होना ही नहीं होगा। कभी उनकी राय सुन लो तो तुम्हें भी पछतावा होगा कि इतनी अचरज भरी हस्ती का स्नेह पाकर तुम इतने दिनों तक अपना सौभाग्य पहचान ही नहीं सकी। ओहो अच्छा। अच्छा चल, जौहरी तो मिल गया ना, अब जब सही दाम लगाने वाला ही मिल गया तो फिर किस बात की चिंता। अब कम से कम तुझे हम जैसे अनाड़ियों से स्नेह मांगने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी दीदी, तुम्हारे स्नेह की मुझे हमेशा जरूरत पड़ेगी। मुझे धोखा देकर वो किसी और को देने से नहीं चलेगा। नहीं दूंगी रे, कभी नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं दूंगी। दीदी तुम तो जानती हो कि तुम्हारा किसी और से प्यार करना मैं कभी नहीं सह सकती थी, लेकिन एक बात है जो मैंने तुमसे आज तक नहीं कही, जो आज कहना चाहती हूँ। गौर मोहन बाबू जब भी हमारे घर आते थे। दीदी नहीं, ये नहीं चलेगा दीदी, मुझे जो कहना है मुझे कहने दो। तुम जानती हो कि मैंने तुमसे आज तक कोई भी बात नहीं छुपाई है, लेकिन यही बात मैं तुमसे कभी कह नहीं सकी और उसके लिए बराबर कष्ट पाती रही हूँ। ये बात कहे बिना मैं आज तुमसे विदा नहीं ले सकती दीदी। जब भी गौर मोहन बाबू हमारे घर आते थे मुझे बहुत गुस्सा आता था। तुम समझती थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने देखा है कि तुम गौर मोहन बाबू का नाम मेरे सामने कभी नहीं लेती थी, और उससे मुझे और भी गुस्सा आता था। तुम किसी और से मुझसे ज्यादा प्यार कर सकती हो, ये मैं कभी नहीं सह सकती थी दीदी। ललिता दीदी मुझे कहने दो, तुम नहीं जानती उस बात से मुझे कितना कष्ट होता था। मैं जानती हूँ तुम आज भी वो बात नहीं करोगी ना। सही, मुझे बस इतना कहना था कि मुझे उस बात से गुस्सा नहीं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर ललिता, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ रे, ये बातें मत कर। ये सुन के मुझे ऐसा लगता है कि धरती फटे और मैं उसके अंदर समा जाऊं। क्यों, क्या उन्होंने कुछ? ललिता बच्चों जैसी बातें मत कर, जो बात सोचना ही नहीं उसके बारे में क्या बात करना। दीदी ये तुम्हारी ज्यादती होगी, मैंने देखा और दावे के साथ कह सकती हूँ कि ललिता। दीदी अच्छा मैं कुछ नहीं कहती, कभी मत कहना। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा तो नहीं कर सकती, कहने का दिन आएगा तो कहूंगी, नहीं आए तो नहीं कहूंगी, इतना वादा कर सकती हूँ। अच्छा, गौर मोहन बाबू की माँ ने बुलावा भेजा था, मैं मिलाऊं?